मैं ये वीडियो नहीं बनाता लेकिन जानबूझ के बना रहा हूँ कि बात आर्मी और देश की है। बात ये कि हिंदुस्तानी भाव ने कंप्लेन की है, FIR की है, आज की बात है एकता कपूर और शोभा कपूर के अगेंस्ट। क्यों कराई है? क्योंकि ऑल्ट बालाजी ऐप पे एकता कपूर के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ शो XXX, वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जब एक आर्मी का ऑफिसर ड्यूटी पे गया है तो उसकी वाइफ किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और रोमांस करने के दौरान वो उस आर्मी के बंदे की ड्रेस पहना के रोमांस करती है और उस ड्रेस को फाड़ती भी है। तो साफ साफ एंटी नेशनल हरकत है, आर्मी की बेइज्जती है। पहली चीज़, एकता कपूर को सबसे पहले ये करना चाहिए कि आर्मी को सॉरी बोलना चाहिए। उसके बाद या बोलूँ कि सबसे पहला सब तो ये हो कि वो सीरीज हट जानी चाहिए या वो सीन हट जाना चाहिए। वो हट जाए कॉन्सेप्ट, अगर वो कॉन्सेप्ट का हिस्सा है तो भाई वो सीरीज़ हटनी चाहिए, तो हट जाए। और दूसरी चीज़, आर्मी से सॉरी मांग ले, ये दो चीज़ तो हो जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अब तो भाव ने FIR कर ही दिए और उन्होंने कहा है कि मैं देखूँगा जितना हो सकता है, जब तक मैं कर पाऊँगा करूँगा। तो बात अलग है वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन ये आर्मी के अगेंस्ट, नेशन के अगेंस्ट है, सबको एक आवाज़ में इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। अब तक किसी ने नहीं उठाई, ये हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हमने ये सब चीज़ें नोटिस नहीं की, हम लोग ने एक वेब सीरीज समझ के देख के डाल दिया। लेकिन अगर आपके सेंसेस वैसे हैं कि आप सेंसिटिव हो जाते हैं उस सब चीज़ों के प्रति, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। फिर इस वीडियो में इतना ही। ये बात आर्मी की इज्जत और देश की इज्जत की ना होती तो इस टॉपिक पर वीडियो मैं ना बनाता, लेकिन क्योंकि बात गंभीर है हम लोग गंभीरता से लेते नहीं हैं, समय निकल जाता है क्योंकि निकल गया ऑलरेडी। भाव ने तो बहुत, क्योंकि उसको रिलीज़ हुए बहुत टाइम हो गया और भाव ने अब जाके FIR कराई है। जब जब जिस आदमी ने नोटिस किया तब उसने एक्शन लिया, एटलीस्ट बहुत लोगों ने देख के छोड़ दिया, एंजॉय करके छोड़ दिया, लेकिन कुछ एक्शन कभी नहीं लिया गया। अब वक्त आ गया है कि चीज़ों को सीरियसली लिया जाए। अपने देश की इज्जत अपने हाथ में, अपने लोग ही जलील करने पर निकल जाएंगे। अपने देश के बॉर्डर पर खड़े होकर गोली खा रही है, उसके परिवार लावारिस हो जा रहे हैं, मतलब भविष्य ख़राब हो जा रहा है उस आर्मी के परिवार का। उस आर्मी के परिवार की बेइज्जती भी कर रहे हैं हम लोग, उस आर्मी वाले की बेइज्जती भी कर रहे हैं हम लोग, उस यूनिफॉर्म की बेइज्जती कर रहे हैं, और यूनिफॉर्म की बेइज्जती मतलब देश की बेइज्जती। समझिए इस बात को, बहुत गंभीर बात है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कहना, कमेंट बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।